हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और गाइस, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बॉयज़ वर्ल्ड ब्लॉग में। तो गाइस, आप लोग कैसे हो? उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। तो गाइस, जो आज का जो ब्लॉग है, उस ब्लॉग में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है पालक के पकौड़े। और गाइस, इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये इसे खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। तो आपने जैसे कि देखा, पहले मैंने बेसन लिया, फिर बेसन के अंदर मैंने पालक के छोटे छोटे टुकड़े काट के डाले, और फिर उसके बाद मैंने इसके अंदर डाला है प्याज। और आप इसके अंदर आप अपने हिसाब से डाल सकते हो कि आपको इसमें कितना पालक चाहिए और कितना प्याज। अगर आप लोग ज़्यादा प्याज भी वाले भी पकौड़ी खाते हो तो उसमें थोड़ा अगर आप ज़्यादा प्याज रखोगे तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा आपको। और आप इसके अंदर रखा है हमने ये अदरक लहसुन का पेस्ट, और सारे मसाले में से थोड़ा थोड़ा डालेंगे, जिसमें डालेंगे हम हल्दी डालेंगे, मिर्च डालेंगे, गरम मसाला डालेंगे, धनिया पाउडर डालेंगे। और फिर जब हमने इन सारे मिर्च को डाल लिया है, फिर उसके बाद हम डालेंगे नमक, जो कि हमारे खाने को बना देता है स्वादगार। तो फिर हम इसमें जब नमक डाल लेंगे, अगर आपके पास थोड़ा सा हल्का सा अगर आपके पास पंचफोरना है तो आप उसके अंदर ये भी डाल सकते हो। इसकी जगह आप अजवाइन भी डाल सकते हो, जिससे पकोड़े का जो टेस्ट है वो बिल्कुल ही अलग आ जाता है इसके अंदर। फिर आप इसके अंदर हम डालेंगे पानी, और फिर इसे अच्छी तरह से आप हैंड वॉश करके आप इसे अच्छी तरह से मिक्स करो, ताकि इसमें जो हमने जितने भी इंग्रीडियंट्स, जो भी मसाले और जो कुछ भी हमने इसके अंदर मिलाया है, वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। गाइस, पहले अब हम इसके अंदर हल्का सा पानी डालेंगे, क्योंकि जो पालक होता है, पालक के अंदर ऑलरेडी पानी होता है। ये हमने इसे ऑलरेडी पहले वॉश किया होता है, तो उसका भी वाटर होता है इसके अंदर। तो फिर पहले हम इसके अंदर हल्का सा पानी डालेंगे, फिर इसे अच्छी तरीके से मिक्स करते रहेंगे। और फिर अगर ऊपर से हमें ये लगे कि हाँ ये थोड़ा कम है, तब हम डालेंगे ऊपर से हल्का सा दोबारा पानी, और फिर इसे अच्छी तरीके से हम मिक्स करते रहेंगे जब तक कि ये बिल्कुल अच्छी तरीके से मिक्स ना हो जाए। तो आप देख सकते हो कि मैंने इसे आखिरकार इसे बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है, और अब ये लगभग तैयार हो चुका है पकौड़ी बनने के लिए। और इसको ज़्यादा बिल्कुल ज़्यादा टाइट नहीं रखना है, नहीं तो आपकी जो पकौड़ी होगी जो बिल्कुल ही ज़्यादा टाइट हो जाएगी और आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इसको थोड़ा चम्मच से उतने अच्छे से मिक्स नहीं हो पाता है, तो आप हैंड वॉश करके आप इसे थोड़े अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। और अब ये जो है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से रेडी हो चुका है। तो अब हम आगे की जो तैयारी है उसे कंटिन्यू करते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने कढ़ाई चढ़ाया है, और जब बिल्कुल कढ़ाई गर्म हो जाए तो उसके अंदर हम तेल डालेंगे। और जैसे ही हमारा तेल, आप जो है गैस थोड़ा तेज करके रखना इस टाइम पे, क्योंकि अगर आप गैस हल्का रखते हो या फिर अगर आपका जो ऑयल है वो बिल्कुल गर्म नहीं होता है, तो जो आप अगर पकौड़ी डालते हो इसके अंदर, तो आपके पकौड़ी के टूटने के ना ज़्यादा चांसेस होते हैं, पकौड़ी इसके अंदर चिपक जाता है। अगर आपने तेल है जो आप पकौड़ी जिसमें डालोगे वो अगर आप अच्छे से गर्म करके रखते हो, बिल्कुल गर्म होता है, तो उसके अंदर जो आपकी पकौड़ियाँ हैं वो बहुत ही यम्मी टेस्टी एकदम कुरकुरे टाइप का बनेगा, जो कि आपका बिल्कुल भी नहीं टूटेगा। अब आप देखिए कि इसमें मैंने, आप चाहे तो इसे चम्मच से भी डाल सकते हो, थोड़े थोड़े एक एक चम्मच करके, और अगर आपको हाथ से डालना आता है तो आप इसके अंदर हाथ से भी डाल सकते हो। तो आप देखिए, ये मैंने पकौड़े डाल दिए थे, और फिर मैंने जैसा कि आपको बताया है कि गैस थोड़ा तेज करना होता है, तो फिर मैंने उसे तेज कर दिया था, तो ये थोड़ा जल्दी जल्दी पक रहा है।
और इसे अंदर से भी अच्छे तरीके से पकाना होता है। इसीलिए जब आप इस पकौड़े में तेल के अंदर जब पकौड़ा रख चुके होंगे और जब आप इसको हल्का सा दोबारा तार में जब आप पलट रहे हो तो आप गैस को थोड़ा धीमा कर दें, जिससे कि आपका पकौड़ी जल्दी से जले ना और जो आपका पकौड़ी है वो अच्छी तरीके से पक जाए। तो अब देखो कि जो ये पकौड़ी है उस पर हमारा कलर आ चुका है लगभग, तो अब बस हम इसे अब निकाल लेंगे। देखिए बिल्कुल एक भी पकौड़ी कहीं से भी नहीं टूटा है। आप देख सकते हो कि सारे पकौड़ी बहुत ही अच्छी तरीके से बने हुए हैं। देखिए आप एक एक पीस देखिएगा कि आपको कौन सा पका है कौन सा नहीं पका है। बिल्कुल अच्छी तरह से पक जाए और बिल्कुल बढ़िया कलर आ जाए कि हाँ देखने में लुक स्पाइसी लगे। फिर आप इसे धीरे धीरे करके निकाल सकते हो जब इस पर कलर आ जाए बिल्कुल तब। तो आप देखें पकौड़ी में बिल्कुल कलर आ चुका है और अब मैं इसे धीरे धीरे करके सारे पकौड़े निकाल लूँगी। देखिए अब आप देखिए पकौड़े कितने एकदम क्रिस्पी लग रहे हैं, एकदम बिल्कुल देखते ही खाने का मन करेगा आपको, बिल्कुल बहुत ही यम्मी टेस्टी बनाए बिल्कुल ही। तो आप देख ले, फिर इसी तरह मैं दोबारा टर्न लूँगी और एक टर्न दोबारा ऐसे ही सेम बिल्कुल सेम प्रोसेस वही है कि ऑयल जब तेज गर्म हो तो आप उसके अंदर जो आप पकौड़ी बना रहे हो उसके छोटे छोटे टुकड़े डालो, या फिर आपकी मर्जी गाइस इसे थोड़ा चपटा करके भी डाल सकते हो, ऐसे भी डाल सकते हो, आप चाहो तो इसे डिज़ाइन में भी बना के डाल सकते हो। और गाइस आप इसे पकौड़ी को बहुत तरीके से यूज़ कर सकते हो, आप इसे कढ़ी भी बना सकते हो। हालांकि मैंने इसे कढ़ी बनाने के लिए ही किया है, तो फिलहाल मैं आप लोगों के साथ इसकी पकौड़ी बनाने की रेसिपी शेयर करती हूँ। तो जो मेरा नेक्स्ट ब्लॉग है उस ब्लॉग में मैं आप लोगों के साथ कढ़ी की रेसिपी शेयर करूँगी। तो अब गाइस देखो कि ये बिल्कुल लगभग मेरा पकने ही वाला है और बहुत ही यम्मी लुक आ रहा है, मतलब कि देखते ही आपको बहुत ही खाने का मन करेगा। और जहाँ पकौड़ा हो वहाँ एकदम से चाय मिल जाए तो चाय और पकोड़ा का खाने का मज़ा ही अलग है। तो आप इसे अच्छी तरह से ऐसे फ्राई किए पलट पलट के और आप देखेंगे कि दोनों तरफ से जब पक जाए बिल्कुल इसका कलर जो है बिल्कुल बढ़िया आ जाए। तो आप इसे पलट पलट के ऐसे ही बनाते रहिए गाइस। एकदम खुशबू जो है बिल्कुल ही बहुत ही मस्त आ रही है, क्योंकि इसके अंदर पकौड़ी दो चीज़ों से बहुत ही बढ़िया यम्मी टेस्टी बनता है, अगर आप उसके अंदर अजवाइन डालते हो तो, और दूसरी ये कि अगर आप उसके अंदर पचफोरना डालते हो, अगर आप पचफोरना का यूज़ करते हो तो। ये जो दो चीज़ें ना आपके पकौड़ी का जो स्वाद है ना एकदम बढ़ा देता है। और गाइस आप लोग इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करें। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो ये देखिए एकदम बिल्कुल कुरकुरे हो, हाथ जल गया मेरा, एकदम कुरकुरे टाइप का बना है, बहुत ही हमें टेस्टी देखने में भी लग रहा है। तो गाइस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करना ताकि आपको मुझसे रिलेटेड सारी वीडियो आप तक पहुँच सके।